नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पोर्टफोलियो रिव्यू और एक पोर्टफोलियो हम बिल्कुल डिटेल में रिव्यू करेंगे। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये वाला ऑप्शन अभी के लिए बेशक आपके लिए ठीक ना लग रहा हो कि आप मुझे जानते नहीं, लेकिन हम लाइसेंस्ड हैं। बाकी जाके आप ये वाली वीडियो या दूसरी वीडियोस देखेंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमें नॉलेज कितनी है। तो अब इस चीज़ को साइड रखते हैं नंबर को, और अब आप लोगों को कैसे हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो में कि आप अपना एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना के वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं फटाफट से। तो आज के हमारे जो लकी विनर रहे हैं वो हैं वीके चेजिंग ड्रीम्स, जिनका मतलब ये यूट्यूब हैंडल का नाम है, जो भी इनका नाम है। इन्होंने प्लीज़ रिव्यू माई मैसेज किया, हाय सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, 50K इनकी SIP जा रही है, क्वांट स्मॉल कैप, निपोन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और यहाँ पे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा जाएगा लार्ज कैप में, ठीक है। आप इसे एज अ लार्ज कैप बेशक नहीं ले सकते, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोजर लेना और फिर साथ में निफ्टी 50 लेना थोड़ा सा गड़बड़ वाली चीज़ है। इसको ज़्यादा डिटेल में जाके ठीक करेंगे, तो अभी के लिए साइड रख देते हैं, ठीक है। और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा इन पोर्टफोलियो से। ये वो वाले पोर्टफोलियो हैं, आप ये मान के चलो, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। नॉर्मली आप ये लगा लो, ये ऐसा पोर्टफोलियो है, ये 200 की स्पीड में चल रहा है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत तेज़ होती है, ठीक है। और आप कहोगे कि यार ये तो फिर बड़े ज़बरदस्त रिटर्न निकालेगा, निकालेगा, कोई मना नहीं है, लेकिन ये 200 को जब ब्रेक लगेगी ना तो ये सीधा जीरो पे आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला फंड, ये फंड, ये फंड, ये 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 और ये वाला फंड, ठीक है। अब इनमें से जो प्योर, जिसे मैं बोलूँगा ये पांच फंड, अगर मैं आपको ये दिख रहे हैं, ये पांच छह फंड, ये प्योर जिसे कहते हैं ना, ये प्योर सैटेलाइट फंड है, ठीक है। और ये जो ऐसे फंड हैं, ये वाले दो, क्वांट मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल, इनको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ एक ऐसे फंड हैं जो लगभग लगभग दोनों कैटेगरीज में आ सकते हैं, इनका कुछ अभी दीन ईमान है ही नहीं, मतलब इसको आप कोर या सैटेलाइट में दोनों में रख सकते हैं। एकमात्र जो येलो कलर आपको दिख रहा है वो है पराग पारिक ELSS, 3,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ 33,000 रुपये SIP में से, तो 30,000 मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने ये पिछले साल पोर्टफोलियो चलाया है, इन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न निकाले होंगे, एक आधा साल 6 महीने और भी निकालेंगे, लेकिन जब चर्निंग की बारी आएगी ना तो भाई साहब बहुत ज़्यादा मौत पड़ेगी। और इनका रिव्यू करना, मतलब नंबर ऑफ फंड्स भी ज़्यादा हैं, तो जब ये अंडर परफॉर्मर वाली स्टेज में आएंगे तो ये बहुत ख़राब परफॉर्म करने वाले हैं। और ये तो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि इन्होंने ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किए होंगे कि इनके पास ये वाले फ़ंड है, लेकिन जो स्मॉल कैप की वजह से इन्होंने लास्ट ईयर रिटर्न्स, जो स्मॉल कैप का बबल बस्ट हुआ होगा, तो अगर ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म चल रहा है तो इन्होंने बहुत घटिया काम किया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाए, रिटर्न मिलने से मतलब है, मुझे नहीं मतलब मेरा पोर्टफोलियो स्टेबल है या नहीं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप फाउंडेशन पे काम ही नहीं कर रहे हैं, आपने बिल्डिंग बहुत बढ़िया खड़ी कर दी है, आप रिजल्ट देख रहे हैं बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन वो बिल्डिंग गिर सकती है या उसमें क्रैक्स आ सकते हैं और वो आपको बहुत नुकसान देने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे चलें तो यहाँ पे सेम गलती इन्होंने भी की हुई है, सेम गलती लगभग मैं देखूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी लिया हुआ है, मोतीलाल ओसवाल, यहाँ तक इनका पोर्टफोलियो ठीक है। कॉन्ट्रा फिर से अगर मैं बोलूं तो ये नीचे वाले तीन फंड, अगर मैं इनको ग्रीन कर दूं, ये वाला फंड और एक ये फंड आते हैं लगभग लगभग किस कैटेगरी में, सैटेलाइट कैटेगरी में, और ये लगभग लगभग मिड कैप को आप दोनों जगह डाल सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्रेसिव होकर चले, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स आता है, ठीक है। इसको ठीक किया जा सकता है कि बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप हटा के 1,000 इसमें डाल दिया जाए, 1,000 इसमें डाल दिया जाए, या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में डाल दिया जाए, तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और नीचे जाएं, यहाँ पे जिनका पोर्टफोलियो 50,000 रुपये का था, अब उनके पास ये पाँच फंड थे लेकिन मैंने उसमें पैसे अलग अलग डाल दिए, मोतीलाल में 10,000, निपोन इंडिया में 7,500, पराग पारिक 7,500, क्वांट में 7,500, UTI में 7,500, 10,000 रुपये मैंने रख लिए। 10,000 रुपये क्यों हमने साइड कर दिए, क्योंकि ये 10,000 के साथ आप खेल सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब दो क्या, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप थीम में जा सकते हो, आप सेक्टोरल में जा सकते हो, आप उस 10,000 रुपये के साथ कुछ भी करो,
स्टॉक्स में डाल दो या कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ वो 10,000 आपके पास खेलने के लिए हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो। फिर से वही कहूँगा, नॉलेज नहीं है तो भाई फिर ये 10,000 भी यहीं कहीं शिफ्ट कर दो, बेशक सब में इक्वली 2,000 रुपये और डाल के बढ़ा दो अगर नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोर्टफोलियो बहुत सही लग रहा है अब, 57% 58% के आसपास अभी भी लार्ज कैप में है, 28% स्मॉल, 14% स्मॉल कैप, तो अभी भी ये पोर्टफोलियो बहुत सेफ साइड पे चल रहा है, उतना ज़्यादा बहुत वेरी एग्रेसिव है नहीं लेकिन ये एग्रेसिव है। ठीक है, और 2.5% लगभग US स्टॉक्स, बाकी सारा इंडियन स्टॉक्स में ही है, और 24% सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है। एक चीज़ दिखाऊं यहाँ पे, इसके बाद ना कोई सेक्टर ऐसा है ही नहीं जिसमें इन्होंने 1% भी पैसा डल रहा हो, तो इनके पास ये सेक्टर हैं बस। तो ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी ढूंढ सकते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहे हों और उसमें 5,000 रुपये डाल दिए, तो इनके पास एक एक्स्ट्रा सेक्टर आ जाएगा। अभी इनके पास मेन सभी सेक्टर हैं, हेल्थ केयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, अभी केमिकल नहीं है, केमिकल ढूंढा जा सकता है, और भी बहुत सारे सेक्टर ढूंढे जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस पोर्टफोलियो पे बहुत काम किया जा सकता है, मैंने लगभग 80% काम करके दे दिया है, आगे कैसे चलना है वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी स्टॉक्स, टॉप के स्टॉक्स ये हैं और इनमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे नहीं। नंबर ऑफ जो फंड्स हैं 5 हैं अभी के लिए, बढ़िया हैं, आप इसको 6-7 तक ले जाएंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। मेरे हिसाब से आप इतना कर सकते हैं, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।